उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेकर ओडिशा तक बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय आई हुई है। ओडिशा में आई बाढ़ से भारी भरकम ट्रक पत्ते की तरह बह गए। वहीं राजस्थान में एक युवक को नदी के बीच स्टंट दिखाना भारी पड़ गया। देखिए बाढ़ और बारिश की हैरान करने वाली तस्वीरें। सिर्फ 6 सेकंड और इन 6 सेकंड में पूरा ट्रक पानी में समा गया। पानी के तेज बहाव के आगे भारी भरकम ट्रक पत्ते की तरह बह गया। तस्वीर ओडिशा के केंदुझर से आई है। बैतरणी नदी उफान पर है। पानी नदी की सीमा लांघकर सड़कों पर बह रहा है। यही पानी इस हादसे की वजह बन गया। ओडिशा के केंदुझर में ड्राइवर ने लोगों की सलाह को नजरअंदाज किया और हादसे का शिकार हो गया। ट्रक ड्राइवर पानी के तेज बहाव को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश में था, लेकिन पानी के तेज बहाव का अंदाजा लगाने में ट्रक ड्राइवर से चूक हो गई। ट्रक ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी, लोगों ने हिम्मत दिखाई और ड्राइवर को पानी से बाहर निकाल लिया। ओडिशा के 15 जिले पानी से लबालब हैं। भद्रक में भी जल प्रलय ने सड़क, मकान, दुकान हर जगह कब्जा कर लिया है। सैकड़ों गांव पानी में डूबे हैं। ना खाने को रोटी है, ना सिर छिपाने के लिए छत। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। राजस्थान के कई इलाके तेज बारिश से पानी पानी है। प्रतापगढ़ में नदी का रौद्र रूप डरा रहा है। जहां एक शख्स नदी के तेज बहाव के आगे स्टंट दिखाने की गलती कर बैठा। युवक ने नदी के दो किनारों पर रस्सी बांधकर उसके सहारे दूसरी तरफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन नदी के बीच में पहुंचते ही इस युवक के हाथ से रस्सी छूट गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि युवक पानी के साथ बह गया। गनीमत रही कि 1 किलोमीटर तक बहने के बाद लोगों ने इस युवक को दूसरी जिंदगी दे दी। जम्मू कश्मीर में भी बादल 3 दिन से लगातार बरस रहे हैं। नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कठुआ में 7 लोग आसमानी आफत के जाल में फंस गए। 34 घंटे तक 7 लोग पानी के बीच मदद का इंतजार करते रहे, जिसके बाद इन सभी लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया। एयरफोर्स ने इन लोगों को बचाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को मौके पर भेजा, जिसके बाद एक एक कर सभी लोगों को देवदूतों ने नई जिंदगी दी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से NH-44 बंद है। बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरे हैं। आसमान से आई आफत से नदी नाले सब उफान पर हैं। सड़क बंद होने से सैकड़ों ट्रक बीच में ही फंसे हुए हैं। जो हाल जम्मू कश्मीर का है, वही सूरत हिमाचल प्रदेश की भी है। हिमाचल में भी बारिश ने लोगों की जिंदगी रोक दी है। कुल्लू के धारा गांव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से गांव के पास बहने वाली नदी में उफान आ गया। एक कार बह गई। कुल्लू में बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ। कुल्लू की गड़सा घाटी में बड़े इलाके में खेत और सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं।